स्टूडेंट्स, कल जो होमवर्क दिया था वो सिर्फ दो स्टूडेंट्स ने किया है। क्लास नाइन्थ, कल जो होमवर्क दिया था वो सिर्फ दो स्टूडेंट्स ने किया है। और मैंने होमवर्क में दिया था कि आपको एमएस वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट लिखना है, छोटा सा ऐसे लिखना है। टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो सिर्फ दो स्टूडेंट्स ने किया है, तो बाकी सभी स्टूडेंट्स मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपका टाइम चल रहा है, आप लोग मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जब एक टाइम आएगा, जब हमारा टाइम आएगा, है ना, तो उस टाइम पे सारा हिसाब इक्वल कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग होमवर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लैब वर्क में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें कहा गया है कि यूज द फॉलोइंग फीचर टू फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट। तो यानी कि जो आपने इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखा था वो ठीक है, उसको आपको सेव कर लेना था अपने मोबाइल में, ठीक है, मोबाइल में या कंप्यूटर में, आपने जिस पे भी किया हो। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट है, चेंज फॉन्ट टाइप स्टाइल साइज एंड कलर, ठीक है। तो फॉन्ट का टाइप चेंज करना है, स्टाइल साइज एंड कलर, वो सभी कैसे करते हैं आपको बताया था कि सबसे पहले जिसमें भी चेंज करना है उतने पार्ट को हमें सिलेक्ट करना पड़ता है माउस की हेल्प से। अगर मोबाइल है तो आप उस पर लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हैं, यानी कि टच कर सकते हैं 2 या 3 सेकंड के लिए, तो वो लॉन्ग प्रेस कहलाता है, ठीक है। सेकंड में है एड अ हेडर टाइटल्ड स्कूल प्रोजेक्ट। अब जो आपने कल जो होमवर्क किया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो इसमें आपको अब हेडर डालना है, हेडर हेडर फुटर आपको पता है कहाँ से डालते हैं, ठीक है। तो हेडर आपको इंसर्ट करना है और हेडर में क्या लिखना है, स्कूल प्रोजेक्ट लिखना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, उसमें लिखा है चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स, यानी कि आपको जो स्पेल चेक का फीचर होता है उससे उसके थ्रू आपको स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेनी है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है इंसर्ट रिलेटेड पिक्चर्स टू द डॉक्यूमेंट, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की जो पिक्चर्स हैं आप इंटरनेट के थ्रू उन पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इसी ऐसे में उनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरनेट पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कोई एग्जांपल देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की आपको एग्जाम्पल इमेजेस यहाँ से मिल जाएंगी, इमेज पे जाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी जहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को दिखाया गया है, ठीक है। ओके, तो इनमें से कोई आप जो आपको पिक्चर अच्छी लगे वो आप डाउनलोड करके उसको इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट है एड शेडिंग टू मेक द डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव। शेडिंग वगैरह आपको यूज करनी है और उससे कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो आपको ये सभी चीज़ें आपकी बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर आप भूल गए हैं कि हेडर कहाँ से इंसर्ट होता है तो आप बुक में देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इंसर्ट अ टेबल विच इंक्लूड नंबर्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो स्टेट वाइज आप पॉपुलेशन लिख सकते हैं, मेल फीमेल कॉलम बना के टेबल से, ठीक है। एक टेबल इंसर्ट करेंगे, स्टेट का नाम लिखेंगे, फिर मेल फीमेल के अंदर उनकी पॉपुलेशन लिखेंगे, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं इस स्टेट में, है ना। स्टेट वाइज कम से कम 4 या 5 स्टेट की आपको डिटेल लिखनी है, ठीक है, टेबल के अंदर। तो ये आपका आज का होमवर्क है। तो
जो स्टूडेंट अगर करना चाहते हैं तो पहला वाला कर सकते हैं, पहले वाले के बाद उसी में आपको सेकंड वाला मिक्स करना है, ठीक है। यानी कि दोनों मिला के एक आपका लैब वर्क है, ठीक है। जिसने कल किया था उसी में आपको ये सब चीज़ें करनी है, चेंज फॉन्ट टाइप्स, स्टाइल, साइज, कलर, हेडर डालना है, मिस्टेक्स चेक करनी है, पिक्चर इंसर्ट करनी है, शेडिंग करनी है, और उसके बाद एक टेबल भी उसी में इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर एक पेज में आता है तो ठीक है, दो पेज में लगाइए उसको, तीन पेज में, जितना आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं उतना बनाइए, ठीक है। तभी आपको एमएस वर्ड के फीचर्स के बारे में पता चलेगा और आप लोग उसको इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कीजिएगा और मुझे लगता है कि आज आप लोग इसका वर्क कंप्लीट करके मुझे भेजेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।